चौबा के चुनाव करने की बात हो रही थी कि अगर उस पैटर्न पर चुनाव होते हैं या फिर वोटिंग होती है तो लहजा देखा जाए, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर जिस तरह से कंटेस्ट कर रहे हैं, कितना फायदा बीजेपी को रहने वाला है? क्योंकि वोट शेयर के हिसाब से तो लग नहीं रहा है कि 2014 और 19 के पैटर्न पर अगर होता है तो फायदा होगा। देखिए, पहले तो हमेशा आपको पता है दिल्ली में पूरी की पूरी जो सीटें हैं वो सात की सात सीटें भाजपा के पास रही हैं, और लोकसभा और विधानसभा दोनों की बात करें तो आशा जी लोगों का जो नजरिया है दोनों चुनाव में अलग रहता है। विधानसभा में उन्होंने दो बार देखी देखी केजरीवाल जी की सरकार बनाई है, और उसके बाद अगर संसद की बात करें तो संसद सात के सात जो है वो भाजपा के हैं। ये लोगों की क्या मानसिकता है ये समझ नहीं आती। पर इसी को अगर देखा जाए तो कांग्रेस और आपकी, आपको पता है आपस में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई है, कांग्रेस हारी है, वहां वहां उसके बाद जो जीत के आया है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो, वो आप है। तो आप और कांग्रेस की बहुत ऐसे थी कि ये आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये अपनी अपनी सीटों को लेके अड़े रहेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि इस बार शायद इनका, क्योंकि मोटिव एक है, इनका फोकस एक है, और इंडिया गठबंधन लगता है जो कि है फायदा उसको होगा अगर अमनप्रीत जी, जी देखिए, लगता है फायदा भाजपा को होगा। निरसंदेह नुकसान तो होगा, भाजपा को निरसंदेह नुकसान तो होगा। हाँ, सीटों के मामले में अगर बात करें तो जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी सीटें जो आप और कांग्रेस है वो जीतने में सफल हो जाए, पर निरसंदेह सात की सात तो भाजपा के पास नहीं जाएंगी, ये बात पक्की है। लेकिन अगर अमनप्रीत जी, अगर हम 2014 का देखते हैं तो 46.6% पर था, जिसमें आम आदमी पार्टी 33.1 पर थी और कांग्रेस 15.2 पर। तो कुल मिलाकर अगर हम दोनों को जोड़कर देखते हैं तब भी 48.3 पर पहुंच जाती है, तो यहां पर फायदा हो सकता है। लेकिन अगर हम 2019 के चुनावों को देखते हैं जिसमें कांग्रेस 22.6% पर थी और आम आदमी पार्टी 18.2% पर थी, और 40.8% जो है वो कुल दोनों का जोड़कर बनता है। लेकिन इसमें भी अगर हम 2019 के चुनावों को देखते हैं तो 56.9 पर फिर भी बीजेपी आगे जाती दिख रही है। देखिए आशा जी, अगर बात करें तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, उसके बाद देश में बहुत चीजें ऐसी हुई हैं जिन्होंने लोगों की जो मानसिकता है उसमें बहुत बड़ा चेंज किया है। आप ये देखो कि बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं सरकार के विरोध में, उनको दबाने की कोशिश करी गई है। जैसे इंडिया ने ये अपना प्रस्ताव रखा था कि हम लोग एक संगठन एक प्लेटफॉर्म पे इसलिए आ रहे हैं, एक संगठन इसलिए बना रहे हैं बहुत सारे पोलिटिकल दल मिलके, कि हम लोग देश के जो तानाशाही बढ़ती जा रही है उस पर रोक लगाना चाहते हैं, हम जो देश का संविधान है उसको बचाना चाहते हैं, हम देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा, अभी लोकतंत्र में ही हमें बोलने की आजादी होती है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करने की आजादी है, प्रेस पे पहरेदारी नहीं होती, मीडिया पे पहरेदारी नहीं होती। अगर कोई लोगों को समस्या होती है वो सरकार को बताती है, सरकार को उसको आ रही हूं। सुनने में भी परहेज नहीं होता। पर जैसे आपने देखा कि अभी किसान दूसरी बार आंदोलन कर रहे हैं, ताजा दीजिए अगर घटनाओं की हम अश्वनी बात जी, करें जवाब तो दीजिए कि इस बार नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये मुद्दे बहुत बहुत सारी बड़े बड़े हैं, घटनाएं जो हैं लोकतंत्र वो को लोगों की लेकर भी वो मानसिकता बात बदल सकती कर है। रही। अमनप्रीत जी वो दिन याद करिए जब प्रेस को बोलने के पहले जेल में डाल दिया जाता था, विरोधी दल का नेता आप कोई बोलने के बोलता बाद था तो डाल जेल देते में हो, डाल बात दिया तो एक जाता ही है। था, याद करिए। तो लोकतंत्र वहां पर क्या था? लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई देखिए, थी? लोगों आज की को बहुत बात है चीजें देश पसंद में। नहीं आई, नहीं, लोगों अब ने जवाब सुन इसीलिए लीजिए, भाजपा अब को जवाब सुन चुना, लीजिए, एक बार नहीं दो दो बार जवाब सुन चुना। लीजिए। अगर इसका आप, मतलब आपके ये बीच में नहीं है मैं कि नहीं बोला, आप, थोड़ा सा अमनप्रीत संयम जी का परिचय जवाब दीजिए। दीजिए। अमनप्रीत जी, मैं, जी आप तो ऐसे नहीं बोलती थी, थोड़ा जी सा संयम। आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, कोई कांग्रेस का होता तो शायद अगर इतना तेज वापस हमको करता तो मैं मान मुद्दे पर आ लेता, जाइए थोड़ा अश्वनी। संयम। मैं सिर्फ आपको याद मैं आ करवा गया रही मुद्दे थी पर, मैं आ गया जी। मुद्दे पर। और अभी देश में आपने अच्छा सही कहा, देश में बड़े काम हुए हैं। देश में इस समय देखिए 37 किलोमीटर रोज के हिसाब से सड़क बन रही है। मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर में तीसरे नंबर पर हैं हम। इस समय निर्यात हमारा बढ़ गया है, देश इस समय आत्मनिर्भर बन गया ठीक है है, G20 की शानदार सफलता अमित हमारे जी, साथ है। तो अमित ये जी बड़ा हम पाटिल काम कह रहे किए हैं कि हैं, देश में ये काम 2022 हुआ है, गुजरात और ये विधानसभा जो आंदोलन चुनावों में हुआ है मतदान वो का खालिस्तान प्रतिशत की का वो तरीके हवाला से दे रहे हैं। गुब्बारा ठीक है लेकर लहरा अश्वनी जी, रहा हो है, वो गया। दिखाई दे रहा अमित है। जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है पाटिल जी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सीटें जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं जाने वाली है, इंडिया गठबंधन के खाते में नहीं जाने वाली है, सीटें जीतना बहुत दूर की बात देखिए, है। ये कहते हैं कि ये तो 400 पार भी चले गए, इन्होंने शपथ भी ग्रहण कर ली, दोबारा मोदी सरकार भी बन गया, इनका कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। दोबारा ये बनेगी सारे भाई। सपने मुंगेरी लाल के आशीन सपने हैं, देखना चाहिए इनको और देखें, क्योंकि जो जो तरीका, जो झूठ बोल बोल करके पूरे देश को इन्होंने बेवकूफ बनाने का काम किया है, आज के डेट में पूरी देश जान गई है
कि इन्होंने किस तरीके से देश को रिस्टार्ट किया और किस तरीके से, क्योंकि इनका इवेंट ऑर्गेनाइजर बहुत तगड़ा है। जिस तरीके से एक झूठ को 100 बार दिखा दो कि सच हो जाए, वो सच करने की प्रतिक्रिया पे लगे हुए हैं और एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। अभी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी को रन किया गया पिछले 10 साल में, अपने पार्टी के ऊपर, अपने सदस्य के ऊपर कितनी ईडी छापेमारी है इनकी, कितने घर पे ईडी गई है, चंद्रभूषण जी का कितने, देखिए दिल्ली पुलिस ने जब सारे भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी में भरे हैं तो दूसरे तरफ क्यों जाएगी सरकार? यही लोग, यही लोग आसना जी, अमनप्रीत जी, ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, 18 भ्रष्टाचारी दल लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है अमनप्रीत जी, अश्वनी जी मैं आ रही हूं आपके पास, आपने मेरे से सवाल किया था तो बोलने का, पर आप आ नहीं रहे ना मुद्दे पर। नहीं मैं मुद्दे से बाहर नहीं हूँ। हाँ जल्दी बताइए, मुद्दे से बाहर का हूँ, आप सुनेंगे नहीं तो मैं मुद्दे से कैसे बोलूंगा? हाँ तो ठीक है जल्दी से आ जाइए। क्या आप मुद्दे पर क्यों नहीं हूँ? मैं मुद्दे से नहीं भटकता ऐसा जी, पहली बार आपसे करिए बात, करिए फिर करिए, मुद्दे से नहीं भटकता हूँ, बताइए आप डेवलपमेंट को लेकर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुद्दा कौन सा है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, लोकतंत्र का मुद्दा है, उस पर बात कर लीजिए ना। आप प्रोग्रेस पर आ गए हैं कि 1% हो गया है, अर्थव्यवस्था यहाँ पहुँच गई है, आपको दिखाऊं इस तरह से नहीं। जवाब ले लीजिए, आतंकवादी तो है, भ्रष्टाचारी 18 भ्रष्टाचारी दल मिलकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, परेशान कर रही है सुप्रीम कोर्ट, जवाब दीजिए वापस आ गए। अरे फिर इस तरह से अमित जी जवाब दीजिए, कितने मुद्दे गिना दिए उन्होंने आपको? अभी तो मुद्दा ही ये गिनवाई का, मैं कह रहा हूँ किसान जो सुन लीजिए ये कह रहा है, एक मिनट अश्वनी जी जवाब ले लीजिए ना अमित जी। जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं कोई आतंकवादी है? चंद्रभूषण जी पे कोई कार्रवाई हुई? नीतीश बाबू को साला बनाया, जीजा बनाया, पता ही नहीं चलता क्या बनाया उनको, तो आप लोग घबराए हुए क्यों हैं? और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल जी से आप लोगों को इतना डर, जो 2012 में खड़े हुए, 2013 में सरकार गिरती है, अश्वनी जी कुछ दिखा 2015 में फिर सरकार, क्या दिखा रहे हैं अश्वनी जी? 2020 में फिर दिखाना चाह रहे हैं वो अमित जी? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो है, इसमें किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं आशा जी, वो एक जो एयर वाला बैलून नहीं होता, इसमें खालिस्तान जिंदाबाद लिखकर पीले रंग का बैलून कर रहे हैं, पानी में मिर्ची मिलाकर डाल रहे हैं अमित जी। अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो फिर इस तरह से क्या उग्र होकर किसी भी धरने का प्रदर्शन करने का मतलब बनता है क्या? सरकार के साथ बैठकर बात हो सकती है, एमएसपी को लेकर बात हो रही है और सरकार से दावा कर रही है कि दोगुना किया गया है यूपीए सरकार के बाद, सरकार को निमंत्रण देनी चाहिए बैठने के लिए उनको, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी की ही बनती थी क्योंकि मांग सरकार है पंजाब के अंदर, 4 बार जा चुकी है, हरियाणा बॉर्डर को रोक दिया गया, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। अमित जी जी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की बनती थी कि नहीं बनती थी? आप लोगों से आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गई फिर सिचुएशन? क्यों शंभू बॉर्डर तक लोग पहुंच गए, क्यों हरियाणा बॉर्डर तक पहुंच गए कि मनोहर लाल को बीच में इंटरप्ट करना पड़ा कि सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है किसानों की तरफ से? अमनप्रीत जी अगर मैं आपसे जानूं, जिस तरह से पाटिल कह रहे हैं कि यहाँ पर 26 सीट जो है वो बीजेपी जीती थी, गुजरात की वो बात कर रहे हैं, 5 लाख वोट इस बार ज्यादा आने वाले हैं, और 22 की वो बात कर रहे हैं कि चुनावों में भाजपा ने 126 सीटें जीती थी, 182 में से कांग्रेस सिर्फ 17 सीटें ले पाई थी और आम आदमी पार्टी 5 पर सिमट गई थी, और अब यहाँ पर गृह क्षेत्र है अमित शाह का भी और नरेंद्र मोदी का भी, किस तरह से जीत हासिल करेगा वहां पर इंडिया गठबंधन? देखिए वैसे भी आपको वहां पे एक ही सीट मिली है गुजरात में, नहीं 2 सीटें मिली हैं वहां पे, और उन्होंने इस बात की बिल्कुल जिद नहीं की, क्योंकि आपको भी पता है कि जो आपको नेशनल पार्टी का जो मिला है वो गुजरात में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, चाहे उन्होंने सीटें नहीं जीती थी फिर भी वहां पे उनकी जो वोटिंग शेयर है, वोटिंग परसेंटेज है, उसका रिजल्ट देखते हुए उनको नेशनल पार्टी बना दिया गया था। पर अभी अगर देखा जाए तो गुजरात का अगर हम बात करें, क्योंकि गृह मंत्री वहां से है, प्रधानमंत्री वहां से है, और आपको पता है कि गुजरात के साथ दोनों का इतना प्यार है, उसके अरे अभी तो भरूच और भावनगर की सीट को लेकर भी कश्मकश है इनके अंदर। भरूच में क्या हो रहा है जरा देखिएगा मनप्रीत जी। मनप्रीत जी जवाब दीजिए, भरूच की सीट तो अभी आपको मिली है ना, तो आप अभी तो लोकसभा की जब इलेक्शन होंगे तभी देखा जाएगा ना, क्योंकि लोगों ने विधानसभा में तो देखिए भाजपा से प्यार किया, भाजपा को जिताया, भाजपा को वोट दिए, तो भाजपा की सीट ही आई है। अभी देखना ये है कि जो लोग हैं उनकी जो, जैसे आपको भी पता है कि उनकी मानसिकता लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन को लेके बदल जाती है, चैलेंजिंग सिचुएशन रहने वाली है अमनप्रीत जी।
भावनगर की सीट पर अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि गढ़ है बीजेपी का और 51% वोट शेयर है उनका वहां पर, कांग्रेस का 26% पर है, आम आदमी पार्टी 13% पर है। देखिए जरूरी नहीं कि इलेक्शन हमेशा जीतने के लिए ही लड़े जाते हैं, वहां पे अपनी प्रेजेंस दिखाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। अश्विनी जी जवाब दीजिए, प्रेजेंस दिखाना भी बहुत बड़ी बात है। जी देखिए अभी सीट की घोषणा हुई है, भरूच में अहमद पटेल की बेटे और बेटी ने बगावती सुर दिखाए हैं, सलमान खुर्शीद साहब ने फरुखाबाद में इस तरीके से ट्वीट किया था, और अमनप्रीत जी तो इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें अभी आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए अभी अमनप्रीत जी ने 3 बार कहा इस चीज को कि लोकसभा की स्थितियां दूसरी होती हैं और राज्य विधानसभा की होती हैं स्थितियां दूसरी, तो लोकसभा की स्थिति पहले भी भाजपा के पक्ष में थी, इन्होंने स्वीकार कर लिया और इस बार भी भाजपा के पक्ष में ही है स्थिति और इस बार आगे भी रहने वाली है, तो गठबंधन क्या करेगा वहां? भाजपा के पक्ष में स्थिति होती तो भाजपा इतनी घबराई हुई नहीं होती, भाजपा अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की नीति में नहीं होती, भाजपा नीतीश बाबू को अपने खेमे में लेने की स्थिति में नहीं होती। आप लोग क्यों कॉन्फिडेंट है कि आप लोगों के 400 पार जा रही है या हम जीत रहे? आप लोग कहीं नहीं जीत रहे, आप लोग इस बार प्रस्त होने जा रहे हैं, क्योंकि 2019 का चुनाव आप लोगों ने पुलवामा पे करा दिया था, राम मंदिर आपने पहले ओपनिंग करा। जल्दी से इस पर जवाब दीजिएगा, मुझे वाइंड अप करना है, जल्दी से इस पर, पुलवामा को लेकर बात कर ली, राम मंदिर को लेकर बात कर ली, इस पर जवाब दीजिए जरा। राम मंदिर जो है पुलवामा का कोई साक्ष्य दे नहीं पाए, ये लोग आरोप लगाना काम है, अभी ये आरोप लगाए थे, अभी आम आदमी पार्टी आरोप लगाई थी। बहुत-बहुत धन्यवाद अश्विनी जी जुड़ने के लिए, अमित जी आपका भी धन्यवाद, अमनप्रीत कौर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि सीट शेयरिंग को लेकर ही बात हो रही थी, लेकिन अब देखना ही होगा कि समीकरण किस तरह से बनते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार गठबंधन के मूड में है और पूरी तरह से आप देखिए मैदान में उतरती नजर आ रही है। क्या कुछ यहाँ पर रिजल्ट रहेंगे ये तो 24 के चुनावों के बाद ही पता चलेगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।